देश में बीजेपी अब अपने कथित थके हारे नेताओं से किनारा करने की तैयारी में है। गुजरात फॉर्मूला लागू हुआ तो पार्टी के कई थके हारे बुजुर्ग नेता कांग्रेस के दरवाजे पर होंगे। हालांकि कांग्रेस अभी से बीजेपी के इन नेताओं के संपर्क का दावा कर रही है, दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि उसे थके हारे नेता नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी कांग्रेस बगावत की आहट सता रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कमलनाथ जी को थके हुए नेताओं की जरूरत नहीं है, तो सबसे ज्यादा थके हुए तो वही है। भाजपा और कांग्रेस के अंदर घुटन महसूस कर, और ऐसे बहुत से नेता और ऐसे बहुत से कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से भी सतत संपर्क। आज छत्तीसगढ़ में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। आज नंद कुमार साय ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई साय हैं जो कांग्रेस में आने को तैयार हैं। बीजेपी का गुजरात फॉर्मूला वरिष्ठ बुजुर्ग नेताओं को सता रहा है। कांग्रेस इन्हें लेकर असमंजस में है तो आम आदमी पार्टी अपने दरवाजे खोल कर बैठी है। हम कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध है, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। कमलनाथ जी को थके हुए नेताओं की जरूरत नहीं है, तो सबसे ज्यादा थके हुए तो वही है, चल ही नहीं पाते हैं। कभी आपने कमलनाथ जी को ट्रेन में बैठे देखा, कभी बस में बैठे देखा, कभी किसान के खेत पर देखा, किसी मंडी में देखा, कभी किसी छात्रावास में या छात्रों के बीच में देखा, कभी देखोगे? आपको तो मिलेंगे ही नहीं कमलनाथ जी, केवल ट्विटर पे दर्शन होंगे उनके, क्योंकि अधिकांश समय उनका दुबई, दिल्ली और बाकी जगह निकलता है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता नंद कुमार साय भाजपा से कांग्रेस में खिसक गए, इस बात पे कांग्रेसियों को भी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के अंदर भारी भगदड़ मचने वाली है। इन दोनों पार्टियों के अंदर जो अच्छे देशभक्त लोग हैं, जो कार्यकर्ता भी हैं और नेता भी हैं, वो भाजपा और कांग्रेस के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से नेता और ऐसे बहुत से कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से भी सतत संपर्क में। कमलनाथ ने बीजेपी के थके नेताओं से किनारा करने का दावा किया है, वहीं बीजेपी नाथ को ही थका हारा बता रही है। फिलहाल सियासत का दरवाजा खुल चुका है। बीजेपी से मध्य प्रदेश में भी कई विदाइयां हो सकती हैं, कुछ कांग्रेस तो कुछ आम आदमी पार्टी के दर पर खड़े हो सकते हैं। TV24 के लिए भोपाल से GS गोविंद की रिपोर्ट। तो पिक्चर अभी बाकी है। दोनों ही दल दावा कर रहे हैं कि हमें थके हुए नेताओं की जरूरत नहीं है, लेकिन ये थके हुए नेता हैं कौन और क्या अब भी पाला बदलने के लिए कुछ नेता हैं तैयार? आज इसी पर हमारा पैनल डिस्कशन भी केंद्रित है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कन्हैया तिवारी जी जुड़ चुके हैं। कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव डिबेट मध्य प्रदेश में। कांग्रेस प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता फरहाना खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरहाना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। और भूपेंद्र जी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि एकाएक उनका मन परिवर्तित हुआ और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। हालांकि नाराजगी कई दिनों से बीजेपी से उनकी थी, लेकिन एक बड़ा झटका कांग्रेस बीजेपी के लिए हुआ ये कि दल परिवर्तित हो गया और कांग्रेस में अब ये नेता चले गए। मध्य प्रदेश की यदि हम संदर्भ में बात करें तो ऐसे कई नेताओं के बारे में अब जानकारियां सामने आ रही हैं, और आपको भी ये मालूम है बहुत अच्छी तरह से कि कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उनका कहना यह है कि पार्टी में पूछ परख नहीं हो रही है। तो क्या अब बीजेपी मध्य प्रदेश के लिए भी ये सोचने का विषय है कि ये अलार्मिंग साउंड है कि अपने नेताओं को अब दल बदलने से किसी तरह से रोका जाए? हेलो जी, जी कन्हैया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बनाई हुई पार्टी जी और उनके विचारधारा पे चलने वाली पार्टी भाजपा जी, ना? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो शब्द बोला गया कि थके हारे लोग, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की बनाई हुई पार्टी है जी। और भाजपा में कभी भी कोई भी कार्यकर्ता थका हारा नहीं होता है। हमारा तो मंत्री है चेरे बेटी जी।
हमारा मंत्र है चेहरे व्यक्ति हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, वो कहते हैं कि मुंह में शक्कर पांव में चक्कर और सीने में आग और माथे पे बर्फ, ये चार मंत्र रख के कार्यकर्ता चलेगा वो अपनी लक्ष्य प्राप्त करेगा। भारतीय जनता पार्टी 2023 में पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में आ रही है, रहा सवाल आने और जाने का वो तो लगा रहता है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव महाराज और शिवराज जी में था, है ना, और जो कमलनाथ जी उनको तो चलने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ती है, अब उनको घर पे आराम करना चाहिए, उनको ये सलाह मशवरा नहीं देना चाहिए कि भाजपा के कार्यकर्ता ये थक गए हैं और ऐसा हो गया ऐसा हो गया। भाजपा का मंत्री है कि चेहरे व्यक्ति सबका साथ सबका विकास, है भाजपा परिवार। चलिए फरहाना जी, बीजेपी तो बहुत आश्वस्त है और उनका कहना यह है कि उनके पार्टी में फिलहाल कोई भी थका हारा नहीं है, फिर कमलनाथ जी क्यों कह रहे हैं कि थके हारे नेताओं की हमें जरूरत नहीं अपनी पार्टी में? जी, कमलनाथ जी ने उन नेताओं के लिए कहा है जिन नेताओं की पूछ परख नहीं है, जो अपनी बात रखते रखते थक गए हैं, जो अपनी पहचान बनाते बनाते पार्टी में थक गए हैं, जो गुटबाजी की राजनीति का शिकार होकर अपने फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं, उन नेताओं को थका हुआ नेता कहा है। जो ऊर्जावान है, जिनकी ऊर्जा का ये लोग नष्ट कर रहे हैं, जिनकी ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित होकर कांग्रेस में आ रहे हैं, वैसे कार्यकर्ताओं का, वैसे नेताओं का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन जो लोग बदले के लिए या किसी कुंठा की वजह से या गुटबाजी की राजनीति की वजह से कांग्रेस में आना चाहते हैं, तो ऐसे नेताओं को कमलनाथ जी ने थका हुआ कहा है और ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने जो कमलनाथ जी के लिए लोग बोल रहे हैं कि थके हुए, आप कन्हैया तिवारी जी आप खुद आ जाए या आपके किसी भी कोई भी बीजेपी का नेता आ जाए, मैं कमलनाथ जी से उनको मिलवा दे। उनकी चुनाव रणनीति को देखते हुए ये लोग इतने बौखलाए हुए हैं कि कमलनाथ जी के किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा ये लोग प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वो इंसान कैसे थका हुआ हो सकता है जिसने गरीबों के लिए इतना काम किया हो, जिसने सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ किया हो, 100 यूनिट में 100 बिजली दी हो, जिसने कन्या विवाह योजना को बढ़ाकर 51,000 कर दिया हो, जिसने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी हो, बस आने मतलब सरकार आने के कुछ ही महीनों में, वो इंसान कैसा थका हो सकता है? एक्चुअल में तो ये लोग डरे हुए हैं, कमलनाथ जी की कार्य प्रणाली से डरे हुए हैं, उनकी जो राजनीतिक उनका अनुभव है उससे ये लोग डरे हुए हैं। 2018 में जिस तरह से कमलनाथ जी ने 15 साल की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंका था, इन्हें फिर डर सता रहा है कि 2023 में शायद इनको फिर से हार का मुंह देखना पड़े। चलिए, तो बीजेपी को डर सता रहा है कि हार का मुंह देखना पड़े, ये कांग्रेस का कहना है। फिलहाल हम रुक कर लेंगे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का, हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, दोनों ही दलों को आपने सुना और इनके जो बड़े नेताओं के वर्जन हैं वो भी हमने पैकेज में सुनाए हैं, क्या आपको लगता है कि वास्तव में अब मध्य प्रदेश की राजनीति में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दल बदलने का सिलसिला और भी बढ़ेगा? और आज छत्तीसगढ़ में जो एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिसका हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही जिक्र किया, ये कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए एक अलार्मिंग साउंड है। जी अमित जी, धन्यवाद आपका। दोनों लोगों को, पैनल के दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ताओं को मैंने सुना और उन प्रवक्ता है, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने संगठन के बारे में अच्छी तरह से बातें रखना, लेकिन ये बात तो निश्चित रूप से होता है कि जो चुनाव आते हैं तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं होती हैं और वहाँ की एंटी कंपनसी भी होती है कि कौन कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट चाहिए आज के समय में, तो निश्चित रूप से टिकट काटे जाते हैं, नए लोगों को टिकट दिए जाते हैं और टिकट कट प्रधानमंत्री भी बने हैं, तो युवाओं की तो टक्कर बुजुर्ग नेता देते हैं, ये तो आयु का एक राजनीति प्रोपोगंडा जरूर हो सकता है, लेकिन युवाओं को भी आना चाहिए और देश के परिपक्व नेताओं को भी आना चाहिए, लेकिन जो राजनीति की व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं
तो वो जब इलेक्शन आता है ना तो व्यक्ति में एक जिस तरह से च्यवनप्राश का काम करता है, नेता लोग बिल्कुल जाग जाते हैं, तो वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को कहीं ना कहीं किसी पार्टी में देखते हैं, तो अपनी पार्टी नहीं होगी तो दूसरी, तो इससे दोनों पार्टियों को फायदा होता है, जिनको उनको एक नए कैंडिडेट मिलते हैं तो उनका एक वोटर होता है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में मूलतः ये अंतर है कि बीजेपी जो है संगठनात्मक, उनका व्यक्तिगत वोट तो होता है लेकिन जो उनके संगठन का वोट ज्यादा होता है, लेकिन कांग्रेस की महत्वाकांक्षा ये रहती है कि कांग्रेस का जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति जब जाता है तो उसका जो जनाधार ज्यादा होता है आज के समय में। पहले तो कांग्रेस देश में सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन वर्तमान में व्यक्ति का उसका वोट ज्यादा होता है, तो डिप्लोमेट तरीके से वो लोग जाते हैं और उस तरह से इनका, लेकिन अभी तो आना जाना की तो अभी सुगबुगाहट हुई है, अभी तो लार्ज स्केल पे जाएंगे क्योंकि जब कर्नाटक के चुनाव के परिणाम आएंगे और जिस हिसाब से बीजेपी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बहुत इंटरेस्टेड रहेगी और लोग वहां पलायन होंगे। और बीजेपी में तो क्या है जी। अभी जैसे बहुत बड़े आदिवासी नेता जो अभी नंद कुमार जी साहब जिनका आपने बात की है, काफी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का तो क्लियर आउट रहता है कि व्यक्ति को जो दे दिया उसके बाद अब वो लगातार तो नहीं चलेगा, तो वो तो निश्चित रूप से, तो आप राजनीति कैसा है, ग्लैमर है कि व्यक्ति जब तक सांस रहती है वो किसी ना किसी पद में रहना ही चाहता है, क्योंकि राज्यसभा सदस्य हो या फिर लोकसभा या फिर कोई बोर्ड या उसमें जिससे उसको वो सांस की सुख प्राप्त हो, लेकिन ये लोग बड़े कठिनाई से उसको डिसीजन लेते हैं। लेकिन आगे आने वाले टाइम में इस तरह की बहुत सी प्रक्रियाएं आएंगी और लोग एक दूसरे के टच में होंगे और बिल्कुल टच में होंगे और ये लार्ज स्केल पे काम चलेगा इसका, तो उनको टिकट दिया जाएगा। और इसमें जो छोटी पार्टियां होती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण, जिनका आधार नहीं होता, जैसे कोई निर्दलीय लड़ने की अपेक्षा जैसे आम पार्टी से लड़ना चाहे, बसपा से लड़ना चाहे, सपा से, जो कि मध्य प्रदेश का कम जनाधार है, तो वो उनको भी अच्छे जिताऊ कैंडिडेट मिलते हैं, उनका जनाधार भी बढ़ता है। तो ये तो प्रक्रिया अब चालू हुई है जी। बिल्कुल प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो जनाधार की बात आपने की बिल्कुल सही भी है भूपेंद्र जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो पहले ही कह चुकी है कि हमारे दल में जो भी आना चाहे हमारे लिए उसके दरवाजे खुले हैं। लेकिन कन्हैया जी, आपके दर से जो नेता जा रहे हैं उन्हें किस तरह से रोकेंगे, किस तरह से पार्टी मनाएगी? क्योंकि बड़ी खबर यह भी मिली है कि पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी भी जल्द कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, पार्टी से कई दिनों से नाराज चल रहे हैं। देखिए, ये गोपनीय सूत्रों से आपको कहां से खबर मिली है और किसने बताया, ये कौन है जो कांग्रेस का भविष्य जो आपको ऐसी बातें बोल रहा है, ये सब तो कुछ है नहीं, वो तो विद्यार्थी परिषद के और वो एक ऐसे विचारधारा के व्यक्ति हैं जो जनसंघ से उनके पिताजी जुड़े हुए थे, बाबूजी और दीपक भैया मेरे बड़े भाई जैसे हैं, अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं उनसे कल जाके उनको चरण स्पर्श प्रणाम करके एक बार उनसे बात करूंगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कन्हैया जी कुछ दिनों में ही, और हमसे बेहतर आपकी पार्टी को यह मालूम होगा जी। जी जी, वो कह रहे थे 2018 में जो है एंटी कन्वेंसी को जागी थी जो आप लोग समझ नहीं पाए, और 109 पे हम रह गए, 114 पे कांग्रेस रही, पूर्व सत्ता में नहीं आई, और जब दिग्विजय सिंह दत्ता सरकार चला तो उनको 3 विकेट उखड़ गए थे, 1/4 की हम बहुमत लेके आए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से आएगी मध्य प्रदेश में, और सुनिए आना जाना तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो विचारधारा है वो विचारधारा तो मैंने फिर से आपसे यही बोला कि गाय गरीब और नारी की रक्षा करना, और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा शिवराजी सरकार चला रहे हैं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि 2023 में फिर से मध्य प्रदेश में कमल खिले और सबका साथ सबका विकास हो और डबल इंजन की सरकार चले, और दीपक भैया के बारे में अगर आपने को किसी ने ये सद्बुद्धि दिए तो महाकाल उसको सद्बुद्धि दे, मैं यही कहूंगा। बिल्कुल परिवार, चलिए इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब स्पष्ट हो जाएगा। फरहाना जी, आपने कन्हैया जी की बातों को सुनूंगा, कहना है कि आना जाना तो एक प्रक्रिया है, इससे कोई भी इनकार नहीं करता है, जो दल से जिस नेता को यदि संतुष्टि नहीं मिल पाती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाती है, वो स्वतंत्र है दूसरे दल में जाने के लिए। बीजेपी का ये कहना है कि इसके बावजूद प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या कांग्रेस इस विषय को गंभीरता से लेती है कि यदि पार्टी का कोई बड़ा नेता साथ छोड़ना चाह रहा है, कोई नाराजगी है, तो वक्त रहते उसे दूर कर लिया जाए, नहीं तो कोई बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भाई साहब, गुजरात मॉडल पे भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी
जी, और प्रचंड बहुमत से आएगी, देख लीजिएगा जी। फरहाना जी जवाब दें। देखिए हमारी पार्टी की पहले भी बहुत अच्छी तैयारी थी, इस बार भी पूरी तैयारी हो चुकी है। और रही बात कैलाश जोशी, दीपक जोशी जी की ये जो बात कर रहे हैं, देखिए कैलाश जोशी जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। एक बार मेरा उनसे मिलना भी हुआ था, तब भी मैंने उनको बोला था कि भाई साहब आप बहुत ही सज्जन बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप गलत पार्टी में। देर सवेर चलिए उनके बेटे को ये बात समझ में आई और उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है, अगले कुछ ही दिनों में वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। आने वाले कुछ दिनों में आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा, दीपक जोशी जी कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं, कांग्रेस के साथ आने वाले हैं और हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि वो कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित होकर कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले हैं, तो हम बहुत ही तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। और रही बात इनकी डबल इंजन की सरकार, झूठी घोषणाओं की सरकार, घोषणावीर मामा की सरकार, कंस मामा की सरकार, जिसकी पोल इनके खुद के नेता ने जबलपुर में जो लाडली बहना योजना का इन्होंने चुनावी एक जो पैतरा खेला है, लाडली बहना योजना, आशीष पटेल ने भले मन से इनकी वजह से कोविड आया, लाखों जाने गई, लेकिन सरकार की आंखों में जरा सा पानी और भी हमारी सरकार बनेगी जी, मुख्यमंत्री होंगे और पूर्ण से कांग्रेस की सरकार बनेगी जी। कन्हैया जी, आप कुछ देर पहले सूत्रों का जिक्र कर रहे थे, क्या अब आपको स्थिति स्पष्ट हो गई है? नहीं नहीं, कोई इनकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। इन्हें कंस मामा बोल दिया, आप बताइए शिवराज जी ने, भैया ये बताओ कि शिवराज ने लक्ष्मी लाडली योजना चालू के क्या भांजियों के आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, तो ये कंस मामा नहीं क्या है, बहनों को धोखा दे रहे हैं, झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, तो ये ऐसा काम कंस को 1,000 रुपए किया जाएगा, उससे अति उत्साहित होकर पूरे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ऊपर ज्यादातर फॉर्म भरा गया है। चलिए दूसरी चीज कि शिवराज सिंह चौहान के सामने आज मध्य प्रदेश क्या हिंदुस्तान में कांग्रेस के सामने कोई लीडर नहीं है, है ना? शिवराज जी से मध्य प्रदेश में क्या लड़ेंगे ये? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो लड़ाई महाराज और आपकी पार्टी जी, आपकी बात पूरी करें, नेता उनको निपटाने में ही लगे हुए हैं, बनना चाहता है। आपके जेपी नड्डा जी भोपाल आए थे तो वो खुद बोलकर गए हैं कि यहाँ टीम वर्क नहीं है, तो ये आपके अंदर जो गृह युद्ध चल रहा है आप लोग पहले उसको सुलझाएं, सरकार बनने के ख्वाब देखें जी। अगर टीम वर्क नहीं होता, एक मिनट सुन लीजिए, अगर टीम वर्क नहीं होता, एक मिनट बचा है भाई साहब, एक मिनट बचा है जी जी, अगर टीम वर्क नहीं होता तो नगर पालिका नगर परिषद में और भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में इतने प्रचंड बहुमत से ऐतिहासिक बहुमत से नहीं जीतती। क्यों? कि 14-15 में चुनाव हुआ था, आप बड़े पार्टी के रूप में आए थे, आपने 2,114 वोट लेके, आप 114 आपके मेंबर थे, मेरे 109 थे, ठीक है? उसके बाद हमारी सिंधिया जी के जी, आपकी बात पूरी करें कन्हैया जी, जी जी, कार्यक्रम अंतिम चरण की ओर है, आपकी बात पूरी करें जी। सुनिए चलिए जी, डॉक्टर भूपेंद्र का रुख कर लेते हैं जी जी जी, काफी समय आपको दिया गया कहने के लिए। डॉक्टर भूपेंद्र जी, जिस तरह से दोनों ही दल अब ये दावा करते हैं कि आना जाना तो लगा रहता है, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कोई बड़ा नेता, जब कोई अनुभवी नेता पार्टी का दामन छोड़ता है तो भूपेंद्र जी, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि हर किसी को संतुष्ट करना मुमकिन नहीं होता, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होता है, ऐसे में इन पार्टियों के सामने क्या रास्ता बचता है कि इस शून्य की पूर्ति भी की जा सके और आने वाले नुकसान से बचा जा सके?
जी उपेंद्र जी, आप सुन आवाज मिल पा रही है? चलिए भूपेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस खास डिबेट में और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल राजनीतिक दलों से आवाजाही शुरू हो चुकी है। कोई दल भाजपा ज्वाइन कर रहा है कोई नेता, तो कोई कांग्रेस का दामन थाम रहा है। लेकिन इसके इतर क्या जिम्मेदारी इन नेताओं को मिलने वाली है बड़े तौर पर, और थके हारे नेता की जो राजनीति है ये कहां तक जाएगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मध्यप्रदेश लाइव डिबेट बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।